आज हम इंडिक एपिसोड में देखेंगे कि मालनी अपने कमरे में होती है, उसे अपर्णा आवाज़ देती है। जैसे ही बाहर आकर देखती है, कॉरिडोर से लेकर हॉल तक फूल बिछे होते हैं और फर्श पर हैप्पी भाभी डे लिखा होता है। पूरी फैमिली मालनी को हैप्पी भाभी डे विश करती है। मालनी पूछती है, ये कौन सा दिन है? ध्रुव कहता है, ये नेशनल भाभी डे है। और निशांत कहता है, भाभी लोग अपना घर छोड़कर आती है और नए घर में एडजस्ट करती है अपने परिवार को भूलकर। इसके लिए एक सेलिब्रेशन तो बनता है। तभी मालनी कहती है, वो जानती है ऐसा कोई दिन नहीं होता। ताऊ जी कहते हैं, हम लोग तो ये दिन जरूर मनाएंगे। निधि और रूपाली वेडिंग एल्बम मालनी को गिफ्ट करती हैं। पूरी फैमिली डांस करती है। मालनी खुश होती है। मालनी सोचती है, वो आदित्य पर गुस्सा है, पर उन्हीं की वजह से तो इतनी प्यारी फैमिली उसे मिली है। तभी आदि लैंडलाइन नंबर पर कॉल करता है, जो निधि उठाती है। आदि कहता है, मालनी से बात हो सकती है? मालनी सोचती है कि जब आदित्य आ जाएंगे तब गुस्सा करूंगी, पर आदित्य झूठ बोलता है कि वो अभी भी अपने काम के सिलसिले से जमशेदपुर नहीं है। मालनी को एडिटर की बात याद आती है कि आदित्य एडिटर से कहकर गया था कि वो अपने पर्सनल काम से बाहर जा रहा है। आदित्य कहता है, वो नहीं जानता कि वर्कर्स स्ट्राइक कब खत्म होगा। मालनी गुस्से से फोन रखकर अपने कमरे में चली जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। फैमिली दरवाजा लॉक करती है, पूछती है, क्या हुआ मालनी? इधर पगडंडिया में पंडित जी पूजा स्टार्ट करते हैं और इमली आदित्य को एक साथ मंत्र बोलने बोलते हैं। इमली को याद आता है कि आदि उसे डांटा था और उसके साथ पूजा करने से मना किया था। इमली पंडित से कहती है, वो अकेले पूजा करेगी। पंडित कहता है, उसे अपने पति के साथ ही पूजा करना है। इमली कहती है, उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं, वो खुद ही पूजा करेगी। पंडित गुस्सा होकर कहता है, तो खुद ही पूजा कर लो। मिट्टी बोलती है, ऐसा नहीं बोलते इमली, पंडित जी को नाराज मत करो। इमली पंडित जी से पूजा की थाली मांगती है। आदित्य कहता है, पूजा थाली हम दोनों को दीजिए। इमली सोचती है, बाबू साहेब तो अपने घर में भी कभी पूजा नहीं किए, तो अचानक ये बदलाव कैसे? इधर मालनी सोचती है, क्या कारण हो सकता है जो आदित्य झूठ बोल रहा है। वो अपना वेडिंग एल्बम देख रही होती है, तभी अनु का कॉल आता है और वो पूछती है, तुम क्यों रो रही हो? मालनी कहती है, वो रो नहीं रही, बस आदित्य को याद कर रही। अनु पूछती है, वो कल आ रहा है ना? मालनी कहती है, उनका काम बढ़ गया है और वो दो दिन बाद लौटेंगे। अनु कहती है, वो तो तुम जानती हो कि आदित्य तुमसे ज्यादा अपने काम को महत्व देता है, पर तुम इसलिए रो रही हो कि आदित्य तुम्हें मिस नहीं कर रहा। आदित्य की गलतियों पर पर्दा डालना बंद करो मालनी, उसे फोर्स करो कि वो तुम्हें याद करे। अपनी वैल्यू उसे समझाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मालनी फोन रख देती है और सोचती है, आदित्य उसे वैल्यू देता है। वो लोग 7 साल एक साथ बिना किसी कमिटमेंट के साथ रहे हैं और अब तो वो उनकी वाइफ है। इधर पंडित जी आदित्य और इमली को पूजा की विधि समझाते हैं। इमली पूजा की विधि करते हुए आदित्य को देख रही होती है। पंडित जी इमली को अपना नाम लेने बोलते हैं। इमली अपना नाम लेती है। पंडित कहते हैं, पूरा नाम लो। मिट्टी कहती है, अपना ससुराल का नाम लो। आदित्य अपना नाम आदित्य त्रिपाठी बताता है और अपनी पत्नी का नाम इमली आदित्य त्रिपाठी बताता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। इधर मालनी अपना वेडिंग सीडी देख रही होती है और वो अचानक खराब हो जाती है। वो घबरा जाती है और टीवी रिमोट तोड़ देती है। उसे अनु की बात याद आती है कि वो अब और मत सहे, उसे अपनी वैल्यू आदित्य को समझानी होगी। अपर्णा पकड़ से कहती है, मुझे मालनी के लिए बहुत चिंता हो रही है, उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। पंकज कहते हैं, हमारे बच्चे बहुत बुरे दौर से गुजर रहे, उन्हें खुद ही हैंडल करने दो। मालनी फैमिली के पास आती है और ताऊ जी पूछते हैं, कैसी हो अब मालनी? तभी अपर्णा मालनी को बैग के साथ देखती है और पूछती है, तुम कहीं जा रही हो? मालनी कहती है, वो अपनी माँ के पास जा रही, उसके पापा आउट ऑफ स्टेशन है। अपर्णा उसे जाने से मना करती है। पंकज कहते हैं,
ये तुम्हारा घर है, तुम इस घर की बहू हो। जब दूसरे की बेटी इमली घर छोड़कर गई थी तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, पर तुम तो, मालिनी कहती है, वो बिना आदित्य के 2 दिन सिर्फ आप ही, सिर्फ उन लोग की वजह से ही रही है, और अब वो कुछ स्पेस चाहते हैं। मिताली कहती है कि हम लोग जानते हैं कि आदित्य भाई झूठ बोल रहे हैं, वो आएंगे तो हम लोग सब उनसे पूछेंगे। मालिनी कहती है, जब आदित्य लौटेंगे तो वो इस घर के बेटे होंगे पर उनके हस्बैंड नहीं। निशांत कहता है, भाभी सही है, उन्हें जाने दीजिए और आप जल्दी घर वापस आ जाइएगा भाभी। अपर्णा रोने लगती है, मालिनी उन्हें संतावना देती है और पूरी फैमिली मालिनी को बाय करती है। इधर आदित्य इमली के साथ पूजा करते हुए मंदिर की तरफ इमली का हाथ पकड़े हुए जा रहे हैं और मालिनी घर से बाहर।